हेलो एवरीवन, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत डिलीशियस है और अंगूर की बनी हुई है, तो सभी लोग तो बहुत पसंद करेंगे। तो बस आप मेरी वीडियो में बने रहें। छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत जगह डाली हैं, बस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मतलब की रेसिपी की जो मेन पार्ट है वो छूटेगी नहीं और आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट्स और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत पुश करता है नई नई वीडियोज़ डालने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि अभी आपको मार्केट में केवल अंगूर बहुत सारे मतलब वैरायटी के देखने को मिलेंगे, काली अंगूर, ग्रीन अंगूर, हर तरह की छोटी बड़ी, गोल मटोल, लंबी, हर साइज़ की मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उसी में से आपको जो पसंद आता है उस अंगूर को ले लेना है और उसकी रेसिपी बनाने के लिए चल देना है। तो मैंने जब अंगूर खरीदा था तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं था कि मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी, बस खाने के लिए मैंने खरीद लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसकी एक रेसिपी ही बनाई जाए, तो मैंने ये भी सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। तो फ्रेंड्स, ले लेना है अंगूर। अंगूर को क्या करना है, आप इसको बंच में भी अच्छे से धुल सकते हैं, मतलब गुच्छे में भी। अगर आप नहीं चाहते उस तरह से धुलना तो इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पीसेस को पूरे अच्छे से निकाल लें और उसके बाद इसमें पानी डालें और अच्छे से हल्के हाथ से मलते हुए इसको धो लेना है ताकि ये काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो मैंने भी अंगूर के पीसेस को हटा लिया था डंठल से और उसके बाद हल्के यहाँ से देख सकते हैं मैं अच्छे से धुल ले रही हूँ। अब मैं इसको ड्रेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने ड्रेन होने के लिए रख दिया है, पूरी पानी निकलने के लिए मैंने इसको छन्ने पर डाल दिया था और यहाँ पानी मेरी निकल गई है अच्छे से। तो मैं अभी इसे कर देती हूँ साइड, हल्का सा इस तरह से रख कर ही साइड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये अंगूर को धुल धाल के रख दिया तो मुझे कुछ और अंगूर दिख गए फ्रिज में, तो मैंने इस अंगूर को भी ले लिया। ये छोटे मोटे गोल मटोल है और ये मैंने लंबा साइज वाला खरीद कर लिया था। तो आप दोनों अंगूर को ले लें, लेकिन अंगूर की रेसिपी बनाने में एक बार उसको अच्छे से धुल के चखे कि ये बहुत अच्छी मीठी है या हल्की खट्टी है, दोनों तरह की होती है। तो किसी भी तरह के लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं उसमें आपको आगे बताऊंगी कि मैंने खट्टी और मीठी वाली बात क्यों की है। तो इसको क्या करना है कि इसको डालना है ग्राइंडर में, ग्राइंडर में बिना पानी के, क्योंकि इसमें पानी बहुत मात्रा में होती है। तो बस इसी तरह से चला लेना है, उसके बाद ले लेना है एक बड़ा बर्तन और उसके ऊपर रखना है छन्ना, और जिस तरह से मैं छान रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस से इसको अच्छे से छान लेना और इसी तरह से छान लेना है। छानने के बाद आपको देखना है कि अगर कुछ पार्ट ज़्यादा बचे हुए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ मतलब कि जो होते हैं पल्प होते हैं अंगूर के वो सब बचे हुए हैं, तो क्या करना है कि फिर से इस तरह से छानने के बाद जो बच जाए उसे फिर से ग्राइंडर में डालना है और डालकर फिर से एक बार चलाना है और चलाकर फिर से इसे छान लेना है, मतलब इसका सारा दम निकाल देना है, अच्छी तरह से इसको पूरा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बहुत सारी मात्रा में बची हुई है इसके पल्प, तो मैंने फिर से ग्राइंडर में डाल दिया और फिर से मैं इसे चलाऊँगी बिना पानी का। और फिर से दोबारा चलाने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पूरी मैंने निकाल ली है और एकदम स्मूथ बन के ये तैयार हो गई है। तो अब जब स्मूथ हो जाती है आपकी ये अंगूर तो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है, उसमें जो वेस्ट जाने वाली पार्ट होती है वो बहुत कम ही निकल पाती है। तो इस तरह से अंगूर को एक बार में अगर नहीं हो पाए तो दो बार करके आप अच्छी तरह से अंगूर के रस को निकाल लें और जो ये छिलके बच रहे हैं इसको अब आप साइड कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी कम मात्रा में छिलके बच कर आए हैं। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ और यहाँ मेरे जो रस हैं वो निकल कर आ गए पूरी तरह से। तो मैंने लिया इसको, किया साइड और अब मैंने लिया एक बड़ा कटोरा और उसमें मैं डाली हूँ जिस कप से मैंने दिखाया, दो कप मैंने पानी डाल दिया और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मैदा। मैदा की जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के चम्मच लेने और इस तरह से उंगली से बराबर करके डालना है मैदा को, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। तो यहाँ आप मैदा भी डाल सकते हैं और मैदा की जगह थोड़ी सी अरारोट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग यहाँ पर डाला है बराबर करके, आप मैदा की जगह अरारोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है क्योंकि पानी में जब सूखी चीज़ जाती है तो उसमें कुछ लम्स पड़ जाते हैं, तो इस लम्स को तोड़ते हुए अच्छे से मिला लेना है। और कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई आपको, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो इस मैदे के गोल को भी मैं कर देती हूँ साइड और लेती हूँ मैं यहाँ पर पैन, आप यहाँ पर पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस पैन में मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है, पहले मैंने जो मैदा वाला बैटर तैयार किया था मतलब गोल तैयार किया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और नीचे तले में थोड़ी सी मैदा बैठ जाती है तो उसे मैं मिलाकर इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी, तो जिस कप से मैंने पानी लिया था उसी से मैंने छोटा कप से यहाँ पर लिया है चीनी। तो चीनी आपको कितनी मात्रा में लेनी है यही बात मैं आपको पीछे बताना चाह रही थी कि खट्टी मीठी अंगूर दोनों तरह की होती हैं। तो अगर आपकी अंगूर मीठी होगी तो इसमें चीनी कम जाएगी, अगर आपकी अंगूर थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी होगी तो इसमें चीनी ज़्यादा जाएगी। तो बस फ्लेम को हाई रखना है और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, चलाते हुए इसके लम्स को तोड़ना है और जब चीनी आपकी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, अच्छे से पिघल कर पानी में फॉर्म में आ जाएगी, तो आपने जो अंगूर का रस निकाला हुआ है उसे इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी चीनी और पानी अच्छे से मिल गई है, अच्छे से मैंने घुल गई है और इसके बाद मैंने यहाँ पर अंगूर का रस डाल दिया है अब। और अब मैं इसे कंटिन्यू पकाऊंगी और पकाकर इसे थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी, जितनी क्वांटिटी अभी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में मैं इसे गाढ़ा करके फिर आपको दिखाऊंगी।
तो अभी मैंने हल्के टाइम के लिए से गैस को कम कर दिया है और मुझे एक और काम करना है। तो जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो। उसके बाद ले लेना है कटोरा या केक टिन ले लेना है, उसमें अच्छे से इस तरह से तेल लगा लेना है ताकि जब भी मैं रेसिपी तैयार करके इसमें डालूँ तो वो काफ़ी अच्छे से परफेक्ट बन कर आए। तो मैंने यहाँ डब्बे में तेल लगा लिया और यहाँ मैं आगे फिर से मैंने यहाँ पर घोल के पास, क्योंकि घोल को छोड़ना नहीं है, बस कंटिन्यू चलाते रहना है। तो जब तक मैंने इस डब्बे में तेल लगाया था उसी बीच मैंने एक दो बार चलाई भी थी और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ झाग बनने लगे, ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो जब थोड़ी सी आपकी ये बैटर, ये घोल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो आप डाल दें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फूड कलर, क्योंकि ये अंगूर है और अंगूर की रेसिपी बनाने में थोड़ी सी फूड कलर जाती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया कि मुझे डालना था, मुझे लगा यहाँ पर देखने में कम, कैमरा में आपको लग रहा है कि बहुत सुंदर कलर आ गया, लेकिन मैं जब बना रही थी तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो मैंने क्या कर दिया कि थोड़ा सा और मैंने डाल दिया, लेकिन फ्रेंड्स टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने ज़्यादा डाला भी लेकिन वो पककर परफेक्ट इसी कलर की फिर से वापस आ गई। तो मैंने यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने इस घोल में थोड़ा सा फूड कलर डालकर इसको पकने दिया है और अब मैं इसे पूरी तरह से गाढ़ी करूँगी। किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो कंटिन्यू चलाते हुए जब आपकी ये घोल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, देखिए कंसिस्टेंसी किस तरह की गाढ़ी हो जाए, तो इस तरह की जब गाढ़ी हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। तो फ्लेम को हल्के टाइम कर दीजिए लो और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और भी ऐड कर दीजिए। तो इसमें डाल देनी है एक चम्मच देसी घी, इससे इसका कलर, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाएगा और स्वाद भी काफ़ी अच्छे से निखर कर आएगा। तो फ्रेंड्स घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिया थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी नारियल। तो बादाम को मैंने फुलाकर उसको ग्रेट कर लिया है और नारियल को मैंने सूखा ही ग्रेट कर लिया है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है, डिलीशियस लगती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि सभी चीज़ों को डालकर थोड़ा सा मिलाया और भी गाढ़ा किया और इसे मैं चेक करने का आपको तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ क्या करना है कि जब आपको लगे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और पैन को ये पकड़ने लगी है तो आपको लेनी है एक कटोरी, कटोरी के ऊपर इस तरह से डालना है, इस कटोरी के पिछले वाले हिस्से में इस तरह से थोड़ा सा बैटर डालना है और डालकर चेक करेंगे। तो देखिए जहाँ पर मैंने बैटर डाला था वहीं की वहीं पड़ी हुई है, मतलब ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, मतलब वहीं की वहीं स्थिर हो गई है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तो गैस को बंद कर देना है और फटाफट से जो मैंने केक टिन को तैयार किया हुआ था उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने केक टिन को पहले तैयार करके रखा हुआ था और मैंने फटाफट से इसमें डाल दिया। अब डालकर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देती हूँ। मेरी केक टिन थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और मेरी बैटर थोड़ी सी कम गई थी। अगर आप थोड़ी सी मोटी बनाना चाहते हैं इसे, मतलब ऊंचाई इसकी मोटी देना चाहते हैं, तो छोटे बर्तन में ही इसे डालें जितना मैंने क्वांटिटी में डाला था और इसे फ्रीजर में रख दें लगभग एक घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए। एक घंटे बाद चलिए मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की बहुत अच्छे से जमकर ये सेट हो गई है और इसे निकालना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। तो एक घंटे बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है, मैं आपको छुड़ाकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं अभी हल्के हल्के हाथ से इस तरह से छुड़ाऊंगी तो ये इजीली निकल जाएगी। तो जब इसके किनारे आसानी से इस तरह से छूट जाएं तो उसके बाद लेना है एक प्लेट और प्लेट के ऊपर इस तरह से उलट देना है, पलट और एक दो और ऊपर से थपकी लगाएंगे तो ये गिर जाएगी इस तरह से। तो अब इसको कर लेना है सीधा और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मतलब कि मैं इसे टेढ़ा भी कर रही हूँ तो कुछ नहीं इसको हो रहा है। तो बस इस तरह से इसको उठाकर बीच में रख देना है और आप चाहें तो इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं कटिंग करके, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी सी डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप इसमें किनारे पर लगाएं, पूड़े में लगाएं, आपको जैसे मन करे, थोड़ा सा मतलब कि ये तरबूज के बीज हो या फिर बादाम हो, काजू हो, नारियल का पाउडर हो, जिससे आप सजाना चाहते हैं इसको सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी बहुत अच्छी अंगूर की मिठाई बनकर तैयार हो गई है, मैं इसे कट कर दे रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी नारियल का पाउडर और उसे मैं किनारे पर डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी देखने में टेम्पटिंग लगे और बच्चों को देखते ही मन करे खाने को। तो बस इस तरह से आपको जो मन करे, जैसे मन करे उस तरह से उसको डेकोरेट कर लें। उसका थोड़ी सी मैंने बीच में भी डाल दी है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देते फ्रेंड्स, और लाइक शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट्स मुझे बहुत पुश करती है नई नई वीडियोज़ डालने के लिए। तो कमेंट्स जरूर करें फ्रेंड्स, कैसी बनी थी मिठाई, कैसा टेस्ट आया था, आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियोज़ के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।